वेलकम बैक टू माय चैनल और उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा फ़ीवर हो रहा था। फ़ीवर की वजह से आज पूरा दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया और अब 5 बज रहे हैं और 5 के टाइम पे मैं उठी हूँ। थोड़ा सा रेस्ट करा, दवाई वगैरह खाई, क्योंकि सुबह मॉर्निंग का दलिया बनाया हुआ था मैंने और मैंने खाया ही नहीं था और मैं सो गई थी। रजाइयाँ सब ऐसी पड़ी हैं, सब कुछ ऐसी पड़ा है, बस उठ के मैं बैठी हूँ। मैंने कहा चलें व्लॉग बनाती हूँ और अब मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि जब हस्बैंड को पता चला कि जी मैं बीमार हो गई हूँ तो वो मेरे लिए फिर दूध जूस और फ्रूट वगैरह भी ले आए थे और मेडिसिन वगैरह भी ले आए थे। जी गाजर का जूस पियोगी? उनको ये था कि बस सेट हो जाए, क्योंकि जाहिर है जब माँ बीमार पड़ जाती है तो आपको पता है कि कितने काम पेंडिंग में आ जाते हैं या कितने काम रुक जाते हैं। तो जो है बच्चे आज, बच्चों में, दोनों बच्चों में आज किसा स्कूल गई थी, जैगम नहीं गया था। ये जैगम का ये था कि मम्मा आज मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी खांस खांस की तबीयत ख़राब हो रही है, तो जैगम नहीं गए थे स्कूल। किसा गई थी स्कूल और किसा को मैं बस छोड़ कर आई हूँ और बस मैं आके जो सोई हूँ, मुझे नहीं पता कि कब मैं उठी हूँ। मैं हमने बनाया था जूस जो मैं सो रही थी ना जब, तो जैगम ने सब कुछ ऐसे ही फैला दिया है। बहुत बुरी बात है बेटा, बनाना का शेक बनाया था इसने तो ऐसे ही फैला दिए बर्तन। इसको पता है मम्मा बीमार है, मम्मा की तबीयत सही नहीं है, बाद भी इसने समेट के नहीं रखा। यहाँ पे पापा लेकर आए थे मेरे लिए बनाना और अमरूद, क्योंकि मेरा अमरूद की चाट खाने का दिल चाह रहा था, तो मैं चाट मसाला डाल के और नहीं काली मिर्ची डाल के और नमक लगा के मैं खाऊं। तो जी मैंने ये भी नहीं की क्योंकि मैं सो गई थी और आपको पता है बुखार में नींद इतनी आ रही होती है कि बस दिल चाहता है कि सोते रहो। और काफ़ी मैंने दवाई खा के काफ़ी हिम्मत हो गई थी और मुँह ऐसा कड़वा हुआ हुआ है। जैगा मुझसे बार बार कह रहे हैं मम्मा आज गोलगप्पे खाने चलेंगे, गोलगप्पे खाने चलेंगे। तो जी देखते हैं, रात हो जाएगी तो पता चलेगा जाएंगे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा मुँह का जायका चेंज हो जाएगा। और यहाँ मैं अपने लिए बनाऊँगी चाट, लेकिन दिल भी नहीं चाह रहा चाट बनाने का, सर में बहुत दर्द हो रहा है। चाय बनाने का ज़्यादा दिल चाह रहा है क्योंकि चाय पी के और पापड़ तलूँगी बच्चों के लिए, बच्चे भी खाएंगे और मैं भी खाऊँगी और ऊपर से मैं कुछ डाल दूंगी काली मिर्चें या कुछ ऐसा जो जवान को अच्छा लगे। अगर आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा ही कुछ होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और जाहिर है बीमारी में तो हो जाता है ऐसा, कोई ऐसी बात नहीं है। बीमार हुए तो ठीक भी हो जाएंगे। यहाँ देखें, देखती वेखती सब ये बर्तन सजा के रखे हुए मम्मा के लिए, जब मम्मा उठेंगी तो ये सब दिलेगा। तो यहाँ मैं अपने लिए चाय रखती हूँ चूल्हे पर, ऐसे बनाऊंगा ना मैं, ऐसे चटपटा चटपटा चाहिए ना आपको, मुंह का कड़वा हो रहा है। पापड़ का ज्यादा कैंसिल, सही है, हिम्मत नहीं हो रही है। सही है, तो हम मैं लेके आता हूँ जब तक चिप्स और हम आपसे मिलते हैं चाय बनाने के बाद। चाय लेकर आ गई हूँ और जैगम भी चिप्स खा रहा है। जैगम मजे के तो लग रहे हैं, लेकिन बस भी खिलाए आप लोग किले के कौन फ्लेवर भी डाले ताकि मैंने कहा था चाय का से। यार ये हमारी ना चाय गिरा देगी, इसको बीच में कर लो ऐसे ताकि किसा का हाथ नहीं, ये वाला खाओ। गोभी कहाँ डाली इसमें तुम बोल, तो गोभी भी डाली, मैंने तो डाली डाली है नीचे। गोभी डालने के बाद इसने ऊपर से भी चिप्स डाली थे ना, ये खिलाना एक बार। ये डाली, क्या अंदाज़ है ये, सही से खाओ बैठ के। जी ये देखें, ये मसाले वाला मैंने जैगम से कहा था मसाले वाला ज़्यादा लेकर आना, पर जैगम ने थोड़ा डलवाया है। जैगम ये मैंने चटनी और माया मिक्स करके डाला है मसाला। जी तो मुझे मसाला, मेरा दरअसल मुंह बहुत कड़वा हो रहा है। ये देखें आपको लग रहा होगा चटनी पर ये है मायो। अगर मेरी तबीयत सही रही ना तो रात में चलेंगे,
चले गोलगप्पे खाने, क्योंकि मैं उनसे बोलूँगी कि इतनी कोई मिर्ची डालें ना। और एक काम करेंगे, चैलेंज कर लेंगे। चैलेंज नहीं करेंगे। हाँ। बच्चे चिप्स खा रहे हैं, मैं उनके साथ मिलके खा रही हूँ, और उसके बाद मैं बच्चों को ट्यूशन भेजूँगी। जिसको भी खाने आ जाए, गरम गरम चाय है, सर्दी है। हमने खा लिया। खा लिया। ये किसा की मामी ने किसा को बोर्ड दिया था, तो किसा बस अब इसको छोड़ ही नहीं रही है। किसा कौन सी मामी ने दिया था? अच्छा, और डॉल किसने दी थी? किरण मामी ने। तो जी, यहाँ पर बच्चे यही होता है कि बच्चे जो गिफ्ट्स आते हैं ना, किसा का तो खास तौर पे ये है कि किसा अपने गिफ्ट संभाल के रखती है। जी, अब ये मसाला निकल रहा है, देखें। अब भैया बस रखता है, एक हफ्ते तक रखता है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली थी और चिप्स भी खा लिए थे, और जैगम अपने लिए कुछ बना रहा है, ट्यूशन से ही आ गया था, और जैगम कुछ कर रहा है। जैगम अपना कप वॉश कर रहा है, और यहाँ जैगम ने मैगी चढ़ाया है, और मैंने जैगम से कहा था, जैगम मेरा मुंह इतना कड़वा हो रहा है, तो ये है कि आप मुझे अच्छा सा चटपटा सा कोई मैगी बना के खिलाओ। तो जैगम खुद भी खाएगा और मुझे भी खिलाएगा अभी फिलहाल। और इस टाइम रात के 8:30 हो रहे हैं। सालन मेरा बना हुआ था, जो मैंने कल बनाया था, इतना खाया नहीं गया, तो वो रखा हुआ है। तो अगर भूख लगेगी इन लोगों को तो मैं दे दूँगी रोटी वगैरह बना के या मंगा के। और यहाँ मैंने किसा को सुबह के पराठे से मैंने ये स्प्रिट, चॉकलेट स्प्रिट लगा के दे दिया था। किसा माशाल्लाह खा रही है, किसा को दिखा देती हूँ। और किसा खा के मैंने किसा का बिस्तर वगैरह भी सेट कर दिया। मैंने कहा, किसा आप जो है बस सोने की तैयारी करना, क्योंकि सुबह का आपको पता है कि सुबह में कितनी सर्दी होती है, तो बच्चे फिर नहीं उठ पाते। ये देखें, ये जी। तो यहाँ पर किसा अपना मोबाइल में थोड़ा सा देख रही है, क्योंकि ट्यूशन वगैरह से आने के बाद थोड़ा सा ये देखती है मोबाइल। और जैगम मैगी बना रहा है, और मैं मैगी के इंतज़ाम में बैठी हुई हूँ कि मैगी खाऊंगी, क्योंकि यकीन करें ऐसे ज़बान कड़वी हो रही है, बुखार में हो जाता है ऐसा। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फ्रूट वगैरह मैंने आपको दिखाए थे, केले भी थे, फ्रूट भी थे, और मैं आपको जूस दिखाती हूँ, जो जूस मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे ख़ास तौर पर। तो वो ना मैंने पिया और ना मैंने दूध गर्म करा। अब वो बड़ा गुस्सा कर रहे थे कि आपने अपने लिए कुछ भी नहीं, मतलब कि गर्म करा ना आपने पिया, और ये सुबह का आया हुआ है जूस, जो मैंने पिया ही नहीं था। ये गाजर का जूस है, आप देख सकते हैं। इतनी मेरी कोई तबीयत ख़राब थी तो मैंने पिया ही नहीं, क्योंकि मेरा मुंह इतना कड़वा हो रहा था, तो मैंने कहा ये पीऊँगी ना और कड़वा हो जाएगा। गाजर और चुकंदर का जो जूस होता है, और यहाँ पर मिल्क भी था, ये मैं गरम करूँगी, तो साथ साथ बने रहिएगा। ये मिल्क मैं गरम कर लूँ, क्योंकि रात में बच्चे पीते हैं, तो कल भी बच्चों ने नहीं पिया था इसी वजह से कि मम्मा हम नहीं पी रहे। ये रोज़ का हो जाता है, कभी पीते हैं कभी नहीं पीते। आज पियोगे? आज पियेंगे, मूड है आज। तो चलें गरम करते हैं। 1000 years later जी, तो यहाँ पे मैंने निकाल ली है जूस। ये जूस पापा सुबह लेकर आए थे, सुबह भाई पी लिया। अगर आपको पता है तबीयत खराब है, सबको हया लगती है पर अपना नहीं रखती। अरे कहाँ पिया जाता है मुझसे। अब मैंने ये जूस निकाला है, अब मैं पीती हूँ। और ये मम्मा का मुँह भी कड़वा हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे मैगी भी बना दी फुल स्पाइसी करके। दूध भी मैंने गर्म कर दिया, साथ साथ दूध भी गर्म हो रहा है, क्योंकि रात में बच्चे वगैरह पियेंगे, और मैंने ये जूस, और यहाँ पे मैं जूस पी लिया। पिए, ये गाजर का है। अब पिए ना, बस सेहत होती है, सेहत बनती है। आप भी पी लिया करो। मैं तो दूध पीता हूँ, दूध ज़्यादा बेहतर। और ये जो है ना, ये वाला जूस जो है ना, ये डेली आ रहा है हमारे घर। और इससे क्या होता है कि इससे आपके जो है ना विटामिन और आपके जो खून की कमी होती है वो नहीं होती, ख़त्म हो जाती है, और अच्छी हेल्थ हो जाती है, स्किन अच्छी होती है, नेल्स अच्छे हो जाते हैं। तो ये चीज़ें ये पिया करें घर में बना के। दरअसल मेरे पास जूसर मशीन नहीं है, जूसर मशीन थी मैं आपको दिखाती हूँ, दिखाएं। ये देखें, वो देख रहे हैं आप ऊपर रखी हुई है, ये मेरी हो गई है ख़राब। तो जो है जब से ये ख़राब हुई है ना मशीन, तब से मैंने जूस निकालना छोड़ दिया है घर में। अब ये बाज़ार से ही आता है, डेली आता है, और जो है मैं इसको इसी तरह पीती हूँ। इस तरह थैली आ जाती है पूरी बन के, फ्रेश निकालते हैं वो जो बाज़ार वाले अंकल है ना,
जो गंदी की जूस की दुकान होती है वहाँ से निकलवा के लेकर आते हैं ये, तो ये सुबह शाम में पीती हूँ। मेरा डेली का रूटीन बन गया है कि मैं अभी फ़िलहाल पी रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपनी स्किन वगैरह पे अभी ख्याल रखना, ज़ाहिर आप सबका ख्याल रखते हैं तो आपको अपना भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं पी रही हूँ, और पीने के बाद मैंने जैगम से कहा, जैगम मेरा मुँह का जायका इतना ख़राब हो रहा है, आप मेरे लिए कुछ चटपटा सा मैगी बनाओ। अच्छा, हमारा जो प्लान था ना वो था गोल गप्पे खाने का। तो गोल गप्पे खाने का प्लान था, लेकिन थोड़ी सी ना जिस्म में इतना दर्द हो रहा है बुखार की वजह से, हिम्मत अगर हुई तो ज़रूर जाएंगे, और अगर हिम्मत नहीं हुई तो फिर मैं जाके बिस्तर में सो जाऊं। तो कोई बात नहीं, घर पे भी ले आएंगे। तो इनका तो प्लान है कि हम घर पे भी ले आएंगे, और मैंने कहा था मैं खूब चाट मसाला और चटनी वटनी डलवा के खाऊंगी, क्योंकि जाहिर है कि मतलब मुंह का जो कड़वा का जो जायका होता है वो सही हो जाता है। तो इसलिए मैंने क्या करा, कुटी हुई मिर्ची और पिसी हुई मिर्ची फुल स्पाइसी कर दिए, और हम आपसे मिलते हैं मैगी खाने के बाद। मीठी आइसक्रीम मैं कहाँ खाऊंगी, तुम खा लो। नहीं ये ले, ये आइसक्रीम खा लेना, सही है। टीवी एक मिनट निकाल दूं। यहाँ पर हम आइसक्रीम खा रहे हैं, और बहुत मज़े की आइसक्रीम है ये, देखें किसा किसा।
कि सब यहाँ आइसक्रीम खा रही है, आप लोग भी आ जाए जिसको आइसक्रीम खानी है। और मैं यहाँ अपना व्लॉग एंड करती हूँ आज का, छोटा सा मेरा व्लॉग था आज का। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।